नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम तुला राशि वालों के लिए इस वीडियो को माध्यम बनाकर संपूर्ण वर्ष फल लेकर आए हैं। कैरियर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, घर परिवार की दृष्टि से तुला राशि वालों के लिए यह 2022 कैसा रहने वाला है, बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष शनि महाराज भाग्य विधाता बनकर आपका संयोग करेंगे। वर्तमान में शनि तुला राशि वालों के लिए सस नाम का महायोग बनाकर चल रहे हैं और यह राजयोग तुला राशि वालों पर 29 अप्रैल तक चलेगा। 29 अप्रैल को शनि देव के केंद्र में पंचम भाव में आ जाएंगे। यह शुभता का स्थान होता है। इस घर में आकर अच्छे अच्छे ग्रहों की ताकत बढ़ जाती है। यह 12 जुलाई तक यही केंद्र में रहेंगे, फिर 12 जुलाई के बाद शनि देव अपनी मकर राशि में आ जाएंगे और फिर से एक बार महासस नाम का राज योग आपकी जन्म पत्रिका में बन जाएगा। अब ये देखते हैं कि तुला राशि के स्वामी शुक्र देव की स्थिति क्या रहने वाली है। आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव वर्ष के प्रारंभ में धनु राशि में सूर्य के साथ रहेंगे। ऐसे समय जब वह अपनी राशि से तीसरे स्थान में रहेंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, भाग्य की उन्नति में कुछ विघ्न उत्पन्न होगा, व्यर्थ का परिश्रम रहेगा, मानसिक परेशानी बढ़ेगी, लेकिन आमदनी होती रहेगी क्योंकि बुध देव धन के घर में विराजमान हैं और शनि देव सस नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं, इसलिए आमदनी के हिसाब से ये समय अच्छा है। तब भी सचेत रहेंगे। फरवरी का महीना तुला राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। भौतिक सुख साधनों में धन खर्च होगा। अब देखते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। मार्च में थोड़ी इस राशि वालों के लिए परिस्थितियां बदलेंगी। तुला राशि वालों को शुक्र ग्रह उच्च के मंगल के साथ आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और इसी घर में बुध और शनि भी रहेंगे। ऐसे में शनि का, मंगल का, बुध का, शुक्र का यहाँ चतुर्थ ग्रही योग रहेगा, जिससे आपको यह मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। खुशी का घर परिवार में माहौल रहेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, वाद विवाद से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस मार्च के माह में धन के स्वामी व जीवन साथी के लॉर्ड मंगल ग्रह चतुर्थ में उच्च के होकर रहेंगे, अतः धन भी आएगा और दाम्पत्य सुख सुविधा भी बढ़ेगी। मांगलिक दोष जरूर बढ़ेगा, अतः व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस अप्रैल के पूरे महीने शुक्र ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे, त्रिकोण में गोचर करेंगे और आपकी राशि के स्वामी पंचम भाव में आ जाएंगे, अतः शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी, सोची गई योजनाएं सार्थक होंगी, संतान तथा वाहन सुख सुविधा में वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ होगा, हर कार्य रणनीति पूर्वक करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा, फिल्म आदि एक्टिंग से आपको लाभ होगा, प्रेम संबंध मधुर होंगे, इच्छा शक्ति प्रबल होगी। मई का महीना आपकी राशि वालों के स्वामी शुक्र ग्रह 23 मई से उच्च के होकर छठवें भाव में रहेंगे, अतः गुरु और शुक्र जब एक साथ रहेंगे तो व्यर्थ की परेशानी आपके जीवन में चल रही है उससे मुक्ति मिल जाएगी, ग्रह कलेश खत्म हो जाएंगे, शस्त्र निष्क्रिय हो जाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु सूर्य और राहु का एक ग्रहण दोष आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा, अतः दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो सकती है। जून के महीने में आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह 13 मई से 18 जून तक सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम दृष्टि से तुला राशि पर दृष्टिपात करेंगे तो आपके जीवन में जो भी कलह चल रहा है
वह दूर हो जाएगा। अब जुलाई का महीना कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए। 18 जून को शुक्र ग्रह वृषभ राशि में चले जाएंगे। यदि राशि स्वामी छठे भाव में बैठ जाएं तो यह पीड़ादायक होता है। अतः शुक्र ग्रह से संबंधित रोग आपके तनाव के कारण बनेंगे। इसलिए शुगर, बीपी, लिवर, किडनी आदि की समस्याएं, जो भी तुला राशि के जातक इससे परेशान हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यह टाइम 18 जून से 13 जुलाई तक चलेगा। इस काल तक शुक्र अष्टम भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। अतः संतोष की बात ये है कि ये अपने स्वयं के घर में रहेंगे। अतः कोई भी ग्रह अपने घर में उच्च कोटि का कष्ट नहीं देते। 13 जुलाई से 6 अगस्त तक मिथुन राशि में भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह का 6 अगस्त तक धनु राशि में रहना आपको भाग्य की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अतः आपके जीवन में जो छोटी मोटी परेशानी चल रही थी उनका अंत हो जाएगा। उच्च कोटि की शिक्षा संबंधी परेशानी जो चली आ रही थी उसमें सफलता प्राप्त होगी। बड़े भाई बहनों व परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। ऐसी तमाम प्रकार की शुभ परिस्थिति आपके जीवन में बनेगी। यह तब तक रहेगा जब तक आपके राशि स्वामी भाग्य के घर में बैठे हैं। शुक्र ग्रह 6 अगस्त से यहाँ से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे तो आपको इसका मिला जुला असर देखने को प्राप्त होगा और यह शुभ फल 24 अगस्त तक रहेगा। जो भी व्यक्ति फिल्म से रिलेटिव हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। 24 सितंबर को शुक्र ग्रह नीच के हो जाएंगे और यह स्थिति 18 अक्टूबर तक रहेगी। इस टाइम नीच के होकर 12 में भाव में आ जाएंगे। यहाँ बुध देव भी इनके साथ रहेंगे। अतः शुक्र और बुध की युति कन्या राशि वालों के लिए 12 में भाव में अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि से बाहर 12 में भाव में चले जाते हैं तो यह आपको अच्छा फल नहीं देते। अतः खर्चे बढ़ेंगे, कोई गलत आरोप लग सकता है, गलत लोगों की संगति में पड़कर झूठा आरोप भी लग सकता है। यह स्थिति 18 अक्टूबर तक रहेगी। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर ये तुला राशि में आ जाएंगे और 11 नवंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे। यहाँ मालव्य नाम के महाराज योग का निर्माण होगा। ये ऐसा समय है तुला राशि वालों के लिए जहाँ चौतरफा लाभ होगा। धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ यहाँ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद यह 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे और 5 दिसंबर तक शुक्रदेव वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, धन के घर में रहेंगे। अतः ये समय भी तुला राशि वालों के लिए काफी अनुकूल रहेगा। घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। फिर 5 दिसंबर से राशि परिवर्तन कर ये मकर राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर इनका रहना काफी शुभ फलदायी होगा तुला राशि वालों के लिए। अतः जाता हुआ 2022 आपको दोनों हाथों से धन, वैभव, ऐश्वर्य लुटा कर जाएगा। दर्शकों, ये था तुला राशि वालों का 2022 का संपूर्ण वर्ष फल। दर्शकों, जन्म तिथि के अनुसार यह सारा वर्ष फल बनाया गया है। जिन जातकों के नाम जन्म तिथि के अनुसार हैं, उनके लिए यह 100% गणना के आधार पर बना है। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।